के सारे, ये पोपा भाई का राज है और पोपा भाई के राज में किसी का कुछ नहीं बला होता। और ERCP के समझौते से जो हमारे साथ धोखा हुआ है, उस धोखे के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हो आप, मुख्यमंत्री जी को बाध्य कर सकते हो कि ये क्या कर दिया आपने, आनन फानन में जाने अनजाने में। भूल तो मनुष्य से होती है सर, हमने भी देखा कई बार, यहाँ खेद भी प्रकट हम करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर के खेद प्रकट करने में क्या दिक्कत आ रही है? राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, राजस्थान की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है। आज न पानी है, न बिजली है, न कानून व्यवस्था है, न किसी के काम हो रहे हैं, सारे के सारे ये पोपा भाई का राज है और पोपा भाई के राज में किसी का कुछ नहीं भला होता है। अगर आप मेरे को सुनते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ मंत्री और मुख्यमंत्री आपके काम करते रहेंगे। अगर मेरे को रोकोगे तो आपकी वो हालत हो जाएगी जो आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक मिनट, मंत्रिमंडलीय कैबिनेट की माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक आधा मिनट, एक काम कर दो साहब, मेरा बोलना आज का सार्थक हो जाएगा। कृपलानी साहब को मंत्री तो नहीं बना रहे, लेकिन इनको मंत्री वाली कुर्सी पे बैठा दो, जिससे चुप तो रह सके, किसी को बोलने भी देते। मैं बिजली की अंकित नहीं होगा पे चर्चा हो रही है, पूरे मंत्रिमंडल के दो मंत्री यहाँ पे मौजूद है, न सचेतक है न संसदीय मंत्री, ये इनका अभी बोला चरित्र बताता है कि ये किस प्रकार से इनकी मंशा है, इनकी मंशा है राजस्थान के प्रति, पानी के प्रति। पूरा खाली पड़ा है, खाली मंत्री, पूरा खाली पड़ा है। बिराजे, ये सेकंड लाइन को आगे बैठा दो, ये पीछे वालों को आगे बैठाओ दो, यहाँ बैठे